हेलो नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB फायर ऑपरेटर भर्ती 2021 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पूरा पेपर मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि DSSB फायर ऑपरेटर भर्ती के लिए जो है रिजल्ट आ चुका है, और अभी इनका जो है ड्राइविंग टेस्ट रह रहा है। सो ड्राइविंग टेस्ट में आपका टेस्ट पेपर भी यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा। 20 नंबर का आपका ट्रेड टेस्ट पेपर रहेगा एंड 80 नंबर का आपका जो है ड्राइविंग टेस्ट रहेगा। सो 20 नंबर के पेपर की तैयारी मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवा रहा हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को जरूर दबा लें। 20 में से 20 नंबर आप किस तरीके से ला सकते हैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। एवरी डे मैं आपको पेपर करवाता हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये रहने वाले हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं एंड जान लेते हैं जो हमारे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है उसकी अपडेट के बारे में। सो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारे क्वेश्चन पेपर के लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं दो पेपर जो है ऑलरेडी करवा चुका हूं, जो कि दिल्ली बुराड़ी के पेपर थे और वहां पर जो मॉक टेस्ट करवाए जाते हैं उनके पेपर थे। सो वीडियो को जरूर देखिएगा, पीछे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के भी चेक कर सकते हैं। सो हमारे सबसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आता है, यदि आप पैदल यात्री के पास हैं और सड़क पार करने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, धीमा करें, हॉर्न बजाएं और आगे बढ़ें, हॉर्न दबाएं और आगे बढ़ें, या फिर वाहन रोकें तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि पैदल यात्री पार न हो जाए और फिर आगे बढ़ें। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन जो है इसके लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है, आप एक संकरे पुल की ओर आ रहे हैं और दूसरा वाहन पुल की दूसरी तरफ से प्रवेश करने वाला है तो आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए जो हमारा राइट आंसर होगा, आगे बढ़ने से पहले अन्य वाहन पुल पार करने तक प्रतीक्षा करें, मतलब कि जो अन्य वाहन है उनका पुल पार करने तक की जो है आपको प्रतीक्षा करनी होगी। एंड इससे अगला क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों, यदि आप एक ऐसे वाहन को देखते हैं जो दुर्घटना में घायल यात्रियों के साथ मिला है तो आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए जो राइट आंसर होगा, उन घायलों को चिकित्सा देने के लिए उपाय करें और दुर्घटना की सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन को 24 घंटे के भीतर दें। अगला क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों, एक सड़क पर जिसे एक तरह से नामित किया गया है, एक सड़क पर जिसे एक तरह से नामित किया गया है उसको दोस्तों आपको जो है रिवर्स गियर में ड्राइव नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है दोस्तों, आप एक वाहन से आगे निकल सकते हैं जो सामने है, वाहन के दाईं ओर से जो है आप किसी भी वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं, ये आपको जो है ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों, यदि कोई वाहन रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचता है जिस पर पैरा नहीं है तो वाहन आगे बढ़ना चाहते हैं तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए। दोस्तों सड़क के बाएं हाथ पर वाहन रोकें और ट्रैक से संपर्क करें और सुनिश्चित करें कि क्रॉसिंग से पहले किसी भी तरफ से कोई ट्रेन या ट्रॉली तो नहीं आ रही है। दोस्तों इस चीज़ ये ऐसे क्वेश्चन जो है आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़रूरी होते हैं ऐसे क्वेश्चन क्योंकि ये हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, परिवहन वाहनों द्वारा प्रतिष्ठित किया जा सकता है वाहन की नंबर प्लेट को। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा आता है, एक शिक्षार्थी का लाइसेंस की किस अवधि के लिए मान्य है, तो 6 महीने के लिए जो है एक शिक्षार्थी का लाइसेंस मान्य होता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों, यदि सड़क पर फुटपाथ नहीं है तो पैदल यात्रियों का जाना होगा, सड़क के दाईं ओर चलें। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है, अगर सड़क पर फुटपाथ नहीं है तो पैदल यात्रियों को सड़क के दाईं ओर चलना चाहिए। एंड अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है, निम्नलिखित वाहनों को मुफ्त मार्ग प्रदान किया जाना चाहिए, अग्निशमन सेवा के वाहन और एम्बुलेंस को। जी हाँ दोस्तों, इनको सबसे पहले आपको जो है साइड देनी चाहिए, विपरीत दिशा में आने वाले वाहनों को आगे बढ़ने दिया जाए, दाईं ओर से दोस्तों आगे बढ़ने दिया जाए, दाईं ओर अपना वाहन नहीं लेकर के जा सकते। अगला क्वेश्चन है, एक वाहन का चालक आगे निकल सकता है जब आगे वाहन का चालक आगे निकलने का संकेत देता है, मतलब कि आपसे आगे वाला वाहन अगर आपको आगे निकलने का संकेत देता है तो आप उसको ओवरटेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है, वाहन का चालक किसके माध्यम से ड्राइव करेगा, तो सड़क की बाईं ओर जो है वाहन का चालक ड्राइव कर सकता है। अगला क्वेश्चन, अगर कोई वाहन रात में सड़क के किनारे खड़ा है तो ऊपर के सभी क्वेश्चन, मतलब कि वाहन लॉक होना चाहिए और पार्क लाइट जो है चालू रहनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप सड़क के किनारे अपना वाहन खड़ा करें तो आपके जो है आपको वाहन को लॉक कर देना चाहिए और जो है पार्किंग लाइट जो है ऑन कर देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, फॉग लैंप का इस्तेमाल कब करना चाहिए, तो धुंध में जो है आप फॉग लैंप का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जेब्रा लाइनों का क्या मतलब होता है, तो पैदल चलने वालों को पार करना जो है जेब्रा लाइन का मतलब होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर कोई एम्बुलेंस आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए, सड़क के किनारे तक जाने के लिए मुक्त मार्ग की अनुमति दें, मतलब कि दोस्तों जब भी कोई एम्बुलेंस आती है तो आपको जो है अपने वाहन से सामने एम्बुलेंस को जो है साइड देना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तो अपने वाहन को सड़क के किनारे कर लें।
अगला क्वेश्चन होता है दोस्तों, रेड ट्रैफिक लाइट एक संकेत है वाहन रोकने का। हाँ, अगला क्वेश्चन आता है, अस्पताल के सामने पार्किंग करना गलत है। जी हाँ दोस्तों, अस्पताल के सामने आपको पार्किंग नहीं करनी चाहिए। यदि कोई ड्राइवर आगे फिसलन वाली सड़क के लिए संकेत देता है तो उसे क्या करना चाहिए? गियर बदलें और गति कम करें। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है, ओवरटेक करना कब निषिद्ध है? तो दोस्तों, ओवरटेक करना फिसलन भरी सड़कों पर निषेध होता है, साथ ही में आने वाले यातायात के लिए खतरा पैदा करता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों, वाहन के मोड़ पर पहुंचने पर ओवरटेक करना करने की अनुमति नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी भी मोड़ में कोई भी वाहन है तो मोड़ के टाइम पर जो है आपको ओवरटेक करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं होती। नशे में गाड़ी चलाना हर समय निषिद्ध होता है। जी हाँ दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन आता है, सम्मानित करना निषिद्ध है? अस्पताल या कानून का न्यायालय को जो है सम्मानित करना निषिद्ध है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों, रियर व्यू मिरर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों, ट्रैफिक देखना जो पीछे आ रहा है उसका जो है रियर व्यू मिरर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, जब वाहन गति में हो तब वाहनों से उतरना और उसमें चढ़ना सभी वाहनों के लिए निषिद्ध होता है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा आता है, मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वाहन चलाते समय हमें मोबाइल फोन का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, ओवरटेकिंग की अनुमति कब नहीं होती? जब आगे की सड़क स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही हो तो आगे जो है आप ओवरटेक नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन आता है, पैदल चलने वालों को रोकी गई गाड़ियों के पास या तेज मोड़ के पास सड़क पार करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि आने जाने वाले वाहनों के चालकों को शायद उन्हें नहीं देख सकें। जी हाँ दोस्तों, मोड़ के टाइम पर अगर कोई भी ऐसा मोड़ है या फिर जो है तेज गति जहाँ पर तेज गति की गाड़ियाँ चल रही हैं, उस जगह पर आपको जो है पैदल पैदल लोगों को रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोड़ के टाइम पर जो है चालक को जो है व्यक्ति नहीं दिखता है और ऐसे में दुर्घटना हो सकती है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों, निजी वाहनों के लिए रिकॉर्ड आवश्यक है? इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और टैक्स टोकन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगला क्वेश्चन हमारा रहता है, नियंत्रण प्रमाण पत्र के तहत प्रदूषण की वैधता 6 महीने के लिए होती है? जी हाँ दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन आता है, गियर के बिना मोटर वाहन चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु 16 साल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों, जब आप पास में स्कूल के लिए साइन देखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? धीमे चलें और सावधानी से आगे बढ़ें। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है, यदि दोपहिया वाहन का चालक बाईं ओर मुड़ रहा है तो उसे क्या करना चाहिए? दाएं हाथ को बढ़ाएं और बाएं मोड़ का संकेत दें। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, नई कार के लिए वन टाइम टैक्स 15 साल के लिए होता है? अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, वाहन को ओवरटेक करने से पहले चालक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे सड़क स्पष्ट दिखाई देती है और आगे निकलने के लिए सुरक्षित है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है, पार्किंग प्रतिबंध है? फुटपाथ पर आपको जो है पार्किंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करना चाहिए वाहन पार्क करते टाइम पे। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, सार्वजनिक स्थानों पर अपंजीकृत वाहनों का उपयोग करना गैरकानूनी होता है? जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है, परिवहन वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु 20 साल की होती है? अगला क्वेश्चन आता है, एक टैक्सी के ड्राइवर ने इस कारण से यात्रा के प्रस्ताव से मना कर दिया कि दूरी कम है, ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन में रद्द कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है, माल गाड़ियों में ओवरलोड ले जाना ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबन या रद्द कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर गाड़ियों में क्षमता से अधिकतम जो है या फिर गाड़ी ओवरलोड हो रही है या फिर क्षमता से अधिक जो है माल भरा हुआ है तो उसका जो है लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी अन्य स्थान पर परिवहन वाहन को विरोध या आंदोलन या किसी प्रकार की हड़ताल के निशान के रूप में छोड़ना जिससे जनता या यात्रियों या ऐसे स्थानों के लिए अन्य उपयोगकर्ताओं को कोई बाधा या असुविधा होती है, ड्राइविंग लाइसेंस को उनका जो है निलंबित किया जा सकता है या रद्द किया जा सकता है। दूसरों या यात्रियों की सुविधा के लिए सार्वजनिक स्थानों पर वाहनों का त्याग करना, ये भी दोस्तों इसमें भी जो है निलंबित या रद्द करना जो है दोनों आते हैं। सार्वजनिक सेवा वाहन चलाते समय धूम्रपान, ये दोस्तों अगर आप गाड़ी चलाते समय अगर धूम्रपान कर रहे हैं तो आपका जो है लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। मोटरसाइकिल पर पीछे की सीट पर सवार ले जाने के लिए वाहन को फुटेस्ट हैंड ग्रिप और साड़ी गार्ड के प्रदान किया जाने साड़ी गार्ड के साथ प्रदान किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा रहता है दोस्तों, निम्नलिखित स्थान पर पार्किंग निषिद्ध है? फायर हाइड्रेट को अवरुद्ध करने पर जो है आपको जो है यहाँ पर सजा हो सकती है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, पार्किंग निषिद्ध है? अस्पताल के द्वार के सामने जो है आप पार्किंग नहीं कर सकते। जब हमारा वाहन आगे निकल रहा है तो हमें गति नहीं बढ़ानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामने वाले वाहन के चालक ने ओवरटेक करने के लिए सिग्नल नहीं दिया है तो हमें आगे नहीं निकलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जो आपको जो है रीड करके जरूर जाने। सो वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना।
वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि आगे आने वाली सभी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचते रहे। सो चलिए फ्रेंड्स, इस जो है पीडीएफ की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सो चलिए, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।